हेलो स्टूडेंट्स, तो आज भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर आपने पहले से पढ़े होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो लूसेंट से थोड़ा सा अलग है। जैसे पहले आ गया महामाया, ठीक है। महामाया कौन है? गौतम बुद्ध की जो माता है जन्म देने वाली, उनका नाम है महामाया, ठीक है। महामाया की मृत्यु जो है वो बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। फिर है राहुल, ये बुद्ध के पुत्र हैं, ठीक है। चन्ना बुद्ध के सारथी का नाम है, जो उनको बाहर का संसार दिखाने के लिए ले गए थे, तो वो बुद्ध के सारथी थे। फिर है चुंद सुनार, जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। फिर है कंथक, कंथक क्या है? बुद्ध का प्रिय घोड़ा। फिर है सुजाता, एक कृषक बाला जिसकी दी गई खीर बुद्ध के द्वारा खाई गई थी। नेक्स्ट है प्रजापति गौतमी, तो ये बुद्ध की पालक माता है, यानी उनका पालन पोषण करने वाली है, बुद्ध की मौसी और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी प्रजापति गौतमी को कहा जाता है, ठीक है। यानी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी उनकी माता है प्रजापति गौतमी, लेकिन जन्म देने वाली माता है महामाया, तो ये आपको याद रखना है। फिर है अलार कलाम, अलार कलाम है बुद्ध के गुरु, जिन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन दिया, इसके अलावा योग और उपनिषद की शिक्षा भी दी है। फिर है सुबद, बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो सुबद को ही दिया था। अगला है देवदत्त, ठीक है, बुद्ध का चचेरा भाई है देवदत्त। नेक्स्ट है अश्वत्थ, ठीक है, वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आपको पता है बोधगया बिहार में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला है, लेकिन उस वृक्ष का नाम क्या है, ठीक है, तो ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो अश्वत्थ जो है नाम है। फिर है स्तूप, स्तूप क्या होता है? ये महापरिनिर्वाण के प्रतीक चिन्ह होते हैं स्तूप। जैसे सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित, और बुद्ध के जो शरीर के अवशेष हैं जैसे बाल नाखून, है ना, ये चीज़ें वहाँ पर अभी भी रखी हुई हैं। अगला आ गया वैशाली, बुद्ध का अंतिम वर्षा काल माना जाता है कि यहाँ पर बीता था। फिर है साल का वृक्ष, इसका क्या संबंध है? बुद्ध की देखो मृत्यु भी यहाँ पर भी है और जो जन्म हुआ है बुद्ध का वो भी साल के वृक्ष के नीचे हुआ, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, बुद्ध का जन्म और मृत्यु साल के वृक्ष के नीचे हुआ, ज्ञान उनको पीपल के नीचे प्राप्त हुआ था। फिर है शुद्धोधन उनके पिता और यशोधरा बुद्ध की पत्नी, ठीक है। ये थी कुछ जानकारी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। धन्यवाद।